गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट लेक्चर। फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सा एक मेगा लेक्चर लेने वाले हैं, जिसमें हम मोर देन वन आवर्स वी विल स्टडी एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन टुडेज लेक्चर। सो बी सीरियस, गिव अ कॉन्सेंट्रेशन। काफ़ी क्वेश्चंस आज हमें करने हैं एक ही लेक्चर में। इट मे बी वन आवर्स, वन एंड हाफ आवर्स, इट मे बी टू आवर्स, जितना भी टाइम हो, लेकिन आज हमें ये चैप्टर्स कंप्लीट ही करना है फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट वी स्टार्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इन द लास्ट लेक्चर, कि जो हमने थियरम किया था 6.8, इट मीन्स इट्स अ PGT, पाइथागोरस थ्योरम। उसके लिए हमने एक कंसेप्ट का हमने यूज किया था। देर आर थ्री फॉर्मूलाज, उसकी हमने वहाँ हेल्प ली थी, और उस टाइम मैंने बताया था कि हम इसका प्रूफ देखेंगे फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट, उसका हम प्रूफ देखेंगे। यहाँ मैं कोई भी फिगर ले रहा हूँ, मीन्स कोई भी फिगर मीन्स कोई एंगल 90 ले रहा हो, इट मे बी एंगल A90, B90 और C90। टेक्स्ट बुक में आपको जैसे दिया हो आपको ऐसे ही लेना है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट इज दैट क्वेश्चन, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज ऐसा दिया गया है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज 90 डिग्री, एंगल ए इज अ 90 डिग्री, दैट इज गिवन, एंड ए एम इट्स अ परपेंडिकुलर ऑन द बी सी, ए एम इज अ परपेंडिकुलर ऑन अ बी सी, ऐसा हमें दिया गया है। सो नाउ प्रूफ, फर्स्ट व्हाट टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट थिंग, हमने पढ़ा था स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड, स्क्वायर ऑफ हाइट, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। सभी हमें किस में देखना है, इन अ हाइपोटेनियस, उसी में ही हमें देखना है। सो स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। इट मीन्स व्हाट, इट्स अ ए बी स्क्वायर, सॉरी फ्रेंड्स हियर इज ए एम, ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एम इंटू एम सी, ऐसा हमें प्रूव करना है फ्रेंड्स। बी एम इंटू एम सी। सेकेंड थिंग, स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ साइड इट्स अ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन अ हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस। सपोज मैं ये साइड की फॉर्मूला बना रहा हूँ, इट्स अ ए बी, सो इट्स अ ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज वॉट, इट्स अ बी एम इंटू हाइपोटेनियस इज वॉट, इट्स अ बी सी, एंड द थर्ड वन साइड इज वॉट, इट्स अ ए सी, सो ए सी स्क्वायर is equals to its corresponding sides in a hypotenuse is what, it's a cm into hypotenuse it's a bc। तो ये तीन हमें प्रूव करने हैं। नाउ इट्स प्रूफ, इट्स वेरी सिंपल। ओके, अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरीके से समझिए। इट्स वेरी सिंपल। अब सबसे पहले ये ट्राइंगल देखिए, ए एम बी, ये सभी को दिखाई दे रहा होगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो एंगल एम 90 डिग्री है, एंगल एम कितना है 90 डिग्री। सो लेट सबसे पहले हम एंगल बी, इट मीन्स एंगल ए बी सी, उसको एक्स सपोज करते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एक्स, इसको एक्स सपोज करते हैं। ओके, देयरफॉर एंगल एम ए बी, आइदर बी ए एम, ये एंगल कितना होगा ये आपको देखना है फ्रेंड्स। विच इज द एंगल एम
A, B. Just look at here in this triangle. Okay, we know that sum of all three angle is 190 degree. So, 180 degree. Sum of all three angle is 180 degree. Here is 90 degree. Angle M is 90. Angle B is X. So, angle A कितना होगा? हम 180 में से ये दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो इट्स अ 90 और इट्स अ x. सो इट विल बी 180 माइनस 90 माइनस x. सो इट विल बी 90 माइनस x. सो लाइक इट्स अ एंगल बी ए एम इज इक्वल्स टू 90 माइनस x. सो इट विल बी 90 माइनस x. अगेन आई रिपीट, इट्स अ m, इट्स अ 90 डिग्री, इट्स अ x और इट्स अ 90 माइनस x. ओके, होल एंगल A, एंगल BAC इज व्हाट? इट्स अ 90, इट्स अ 90. एंगल BAC, होल एंगल इट्स अ 90. एक्चुअली इट्स अ सम ऑफ दिस टू एंगल. आपको ये दिखाई दे रहा होगा. विच टू एंगल? एंगल BAM और एंगल MAC. एंगल A, होल एंगल A इज अ सम ऑफ दिस टू एंगल. ओके, सम ऑफ दिस टू एंगल इज व्हाट? इट्स अ 90. ये दोनों का 90 है. सो आप ऐसा भी सोच सकते हो, इसको आउट ऑफ देम इट्स अ 90 माइनस x. सो दिस एंगल विल बी व्हाट? इट्स अ x. क्यों? अगर ये दोनों का सम करोगे 90 माइनस x और x, सो x x क्या हो जाएगा? इट्स अ कैंसल. सो देयरफॉर एंगल CAM is equals to x. Okay, now in a triangle AMC, angle M is 90, angle A is x. So this is what? It's a 90 minus x. Therefore, in a angle ACM is equals to what? 90 minus x. समझ में आ रहा है पूरा? अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने पहले भी बताया था, ये दो जो ट्रायंगल है, फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, ये दोनों ट्रायंगल्स को पहले हम सिमिलर प्रूव कर देंगे. विच आर दी टू ट्रायंगल्स? इट्स अ एंगल, ट्रायंगल बी एम ए. यहीं से स्टार्ट करना है, बी एम ए और ए एम सी. सो इन अ ट्रायंगल बी एम ए एंड ट्रायंगल AMC, इसका मतलब यह है कि अभी जो मैं बात करने वाला हूं, ये दोनों ट्राइंगल की बात करूंगा. ओके, इन दिस ट्राइंगल फर्स्ट इट्स अ x, दैट इज व्हाट? इट्स विच एंगल? इट्स अ B, इट्स अ ABC, इधर ABM भी लिख सकते हो आप, ABM. सो एंगल ABM इज x. ABM is x और इसमें कौन x है? इट्स अ MAC, यहां लिखा ही हमने MAC, इधर उसको हम CAM भी बोल सकते हैं, एंगल CAM, दे आर इक्वल. व्हाई? AB इन दिस ट्रायंगल ABM इज x और इन दिस ट्रायंगल CAM इज x, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल. सेकंड थिंग, बोथ आर 90 डिग्री. एंगल AMB is equals to angle AMC and this angle is 90 minus x and this angle is 90 minus x. 90 minus x is what? It's a BAM. Angle BAM is equals to, ye kaun sa hai? It's a angle ACM. Again, kiski baat kar raha hu? These two triangles. इसी का हमें प्रूफ देना था, मैंने पहले भी ये पढ़ाया है फ्रेंड्स. इट्स अ फर्स्ट ट्राइंगल एंड इट्स अ सेकंड ट्राइंगल, इसकी बात करो. फर्स्ट में पहले कौन सा एंगल लिया? दिस, इट्स अ ABM. ABM इज व्हाट? x. इसमें कौन x है? इट्स अ MAC. MAC आइदर CAM, बोथ आर सेम, सो दे आर इक्वल. देन इट्स अ 90, इट्स अ 90, इट्स अ 90 माइनस x, इट्स अ 90 माइनस x. तो बाय द ए ए ए दे आर सिमिलर. विच आर द टू ट्राइंगल्स? देयरफॉर ट्राइंगल बी एम ए सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम सी.
अब ये दोनों अगर सिमिलर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं इट्स अ बी एम अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम सी। थर्ड पेयर भी बना सकते हैं लेकिन उसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए एम इंटू ए एम सो इट विल बी ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एम इंटू एम सी। सो दैट इज योर फर्स्ट प्रूफ। हमें यही चाहिए था ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एम इंटू एम सी। नाउ सेकंड प्रूफ। अब क्या करना है फ्रेंड्स, पहले भी मैंने बताया था ये जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है वो ये जो एक्चुअल ट्रायंगल था बी ए सी उसको भी सिमिलर होगा। तो हम ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं दे आर सिमिलर। विच आर दी टू ट्रायंगल्स इन अ ट्रायंगल बी एम ए एंड ट्रायंगल बी ए सी। समझ में आ रहा है, फर्स्ट ट्रायंगल विद होल ट्रायंगल। ओके नाउ इन अ बी एम ए इसमें कौन एक्स है, एंगल ए बी एम इज एक्स और ए बी सी में भी वो एक्स ही है। सो एंगल ए बी सी इट्स अ एक्स और बी एम ए में एम 90 है और बी ए सी में ए 90 है। सो इट्स अ एंगल बी एम ए इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी बोथ आर 90 डिग्री एंड इन अ बी एम ए 90 माइनस एक्स ये है और इन अ बी ए सी ये 90 माइनस एक्स है। इट्स अ वॉट बी ए एम एंगल बी ए एम कितना है फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो 90 माइनस एक्स। तो ये एंगल में कौन 90 माइनस एक्स है, इट्स अ ए सी बी आइदर बी सी ए। सो अगेन बाय ए ए ए दे आर सिमिलर। विच आर दी टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल बी एम ए is similar to triangle BAC. So now again we can say that it's a BM by AB is equals to AM by AC. अब ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं मालूम है ना, क्योंकि it's a similar so its ratio of its corresponding sides are equal. AM by AC उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। So it's a AB by BC. It's a ए बी बाई बी सी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सो इट विल बी ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एम इंटू बी सी। समझ में आ रहा है, इट्स अ सेकंड प्रूफ। ये कौन सा थियरम है, इट्स अ 6.7। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, इट्स अ 6.7। ओके एंड द लास्ट वन, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। ये जो सेकंड वाला ट्रायंगल है उसको ये पूरे ट्रायंगल के साथ हमें सिमिलर प्रूव करना है। ये कहाँ से बोल स्टार्ट करना है, इट्स अ ए एम सी इन अ ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल विच इज द ट्रायंगल बी ए सी, ये दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। ओके इन अ ए एम सी हियर इज एक्स, ये एक्स है, विच इज द एक्स, इट्स अ एंगल सी ए एम। तो बी ए सी में कौन एक्स है, इट्स अ ए बी सी एंगल ए बी सी दे आर एक्स। सो एक्स एक्स दे आर इक्वल। इट्स अ 90 विच इज द 90, इट्स अ एंगल ए एम सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, इट्स अ 90 एंड इट्स अ 90 माइनस एक्स और ये दोनों कॉमन एंगल हो जाएंगे, इट्स अ एंगल ए सी एम इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, दे आर कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी। सो नाउ बाई ए ए ए नाउ इट्स अ सिमिलर, सो हम रेशियो ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए एम बाई ए बी उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। सी एम बाई ए सी, सी एम बाई ए सी इज इक्वल्स टू ए सी बाई बी सी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी एम इंटू बी सी। तो ये थर्ड प्रूफ हो गया हमारा। अब इसी में से हमें कोई ना कोई राइडर बनानी है फ्रेंड्स, कोई प्रूफ डेट का क्वेश्चन बनाना है तो हम ऐसे कोई एक नया क्वेश्चन बना सकते हैं। इन दिस फिगर प्रूव दैट ए बी स्क्वायर अपॉन
AC square is equals to BM upon MC. Now it's very simple. अगर हमें ये प्रूव करना है ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम अपॉन एम सी, सो ये काफ़ी ईजी है फ्रेंड्स. हर बार आपको यही सोचना है कि एक्चुअल में हमें क्या करना है. हमें ऑन द एल एच एस साइड क्या करना है, डिवीजन ऑफ व्हाट, ए बी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर. हमें इन दोनों का डिवीजन करना है. तो सबसे पहले तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू होनी चाहिए. फर्स्ट किसकी वैल्यू होनी चाहिए, ए बी स्क्वायर. सो वी विल गेट ए बी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर इज व्हाट, इट्स अ साइड. काफी बार मैंने इसको बताया है कि इसको कैसे बोल लेना है. स्क्वायर ऑफ साइड इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस. इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, हाइपोटेनियस में बी एम. सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एम इन टू बी सी इज द फर्स्ट रिजल्ट. आप यहां लिख सकते हो इट्स अ बाय 6.7. सेम हियर ए सी स्क्वायर. ए सी इज वॉट, इट्स ऑल्सो अ साइड. सो स्क्वायर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस. इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होगी, सी एम. और हाइपोटेनियस कौन है, इट्स अ बी सी, इट्स अ सेकंड, अगेन इट्स अ 6.7. नाउ बाय डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, ओके, सो इट विल बी ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एम इंटू बी सी अपॉन सी एम इंटू बी सी. सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन सी एम. तो ऐसा भी कोई थ्योरम आपको दिया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है. और एक चीज, ये इसके लिए ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आप ऐसा लिख सकते हो इट्स अ 6.7. समझ में आ रहा है. सो ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था कि इसको हम प्रूव करेंगे फ्रेंड्स. तीन फॉर्मूला है एक्चुअल में. और आज हम जितने भी क्वेश्चन आज हमें करने हैं फ्रेंड्स, उस सभी में हमें पीजीटी मोस्ट यूज करना है फ्रेंड्स. मैक्सिमम क्वेश्चन में पीजीटी अप्लाइड होगा. ओके फ्रेंड्स, हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया. ऐसे और क्वेश्चन 6.5 में दिए हैं, तो वो अभी हम नहीं करेंगे फ्रेंड्स, वो आपको अपने आप करने होंगे फ्रेंड्स. नाउ मूव ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ फिगर ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ. इन अ फिगर ए डी इज अ परपेंडिकुलर टू बी सी, देन प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. ऐसा हमें प्रूव करना है फ्रेंड्स. इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स. मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें पीजीटी ही अप्लाइड करना है. अब ये जो सभी क्वेश्चंस है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है. कई बार ऐसा होगा कि आपको एडिशन लेना होगा, कई बार सब्ट्रैक्शन लेना होगा, कई बार बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई 3, वॉट एवर. ऐसा आपको थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा फ्रेंड्स. सो नाउ मूव इट्स प्रूफ. वेरी सिंपल फ्रेंड्स, नथिंग टू वरी. ओके, अब सबसे पहले यहां आपको ये राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा. इट्स अ राइट ट्राइंगल. इन अ ट्राइंगल ए डी बी एंगल डी इज वॉट, इट्स अ 90 degree. इट्स वेरी सिंपल. इन अ ट्राइंगल ए डी बी एंगल डी इज 90 degree. सो वी कैन इजीली टेक पीजीटी. इसमें हम पीजीटी बनाएंगे तो कैसे होगा, हाइपोटेनियस कौन है, इट्स अ ए बी. सो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स. सो इट्स अ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज द फर्स्ट रिजल्ट. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर. नाउ वॉट वी हैव, सेकंड राइट एंगल इज ए डी सी. यहाँ 90 degree नहीं दिया है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स. सो इन अ ट्राइंगल ए डी सी अगेन डी इज इक्वल्स टू 90. ये ट्राइंगल में डी 90 है, इसलिए मैं ये डी लिख रहा हूँ.
So by the PGT it will be what? It's a AC square is equals to it's a AD square plus DC square is the second. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां है, आपको जो प्रूव करना है उसमें क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर तो ये रहा, सी डी स्क्वायर तो यहां भी है, बी डी स्क्वायर तो यहां भी है, ए सी स्क्वायर यहां भी है। अब हमें नहीं चाहिए तो क्या, ए डी स्क्वायर हमें नहीं चाहिए दोनों में, तो अब ये हम इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं, बस यही सोचना है। अब क्या करें तो हमें ए डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हम ऐसा लिखते हैं, By taking subtraction of one and second result, दोनों का हम subtraction ले लेंगे friends। अब वो कैसे लेंगे, तो it's a AB square is equals to AD square plus BD square and AC square is equals to AD square plus DC square। अब आप लोगों ने third chapter pair of linear equation with two variable उसमें आपने elimination method पढ़ी है friends। जब हम सब्ट्रैक्शन ले रहे होते हैं तो जो सेकंड इक्वेशन है उन सभी की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। सो नाउ एडी स्क्वायर विल बी कैंसल, सो वी हैव राइट नाउ ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट्स अ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। अब हमें ए बी स्क्वायर के साथ कौन चाहिए, सी डी स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ ले लेंगे, सो इट बिकम्स प्लस। और बी डी स्क्वायर के साथ में कौन चाहिए, ए सी स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ ले लेंगे, सो इट विल बी प्लस। सो वी विल गेट ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यही तो हमें प्रूव करना था फ्रेंड्स, कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सिर्फ इतना ही करना है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको टू मार्क्स थ्री मार्क्स में भी दिया जाए, सिर्फ वन टाइम इसमें पीजीटी लिया, वन टाइम इसमें लिया और दोनों का हमने सब्ट्रैक्शन ले लिया। ओके फ्रेंड्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ओके पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, इन अ राइट ट्राइंगल बी ए सी एंगल ए इज 90 डिग्री, इन अ राइट ट्राइंगल बी ए सी एंगल ए इज 90 डिग्री, BL is a median on a AC. Again I repeat, it's a word median, not an altitude. Median means what? It divides AC in a two equal parts. So AL is equals to LC. It's the most important thing. Same here, CM is a median on a AB. So it means BM is equals to AM. ये आपको सबसे पहले याद रखना है, बोथ आर मीडियन। अब क्या प्रूव करना है, 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर। एक्चुअल में फ्रेंड्स ये थोड़ा सा यहाँ हमें डराने के लिए दिया गया है, एक्चुअल में क्या होगा, 4 यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। अब समझ में आ रहा है, अब 4 ये जो है वो डिवीजन में होगा, वो सामने जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सो एक्चुअल में ये लेफ्ट हैंड साइड तो सिर्फ इतना ही है, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, कौन से थॉट पे चलना है, सिर्फ हमें यही करना है, उन्होंने जो किया है वही हमें करना है। इट मीन्स वॉट, उन्होंने क्या किया है, बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर इन दोनों का क्या किया है, एडिशन। तो हमें भी क्या करना है, इन दोनों का एडिशन ही करना है। अब सिंपल सी बात है, अगर हमें इन दोनों का एडिशन करना है तो हमारे पास ये दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी वैल्यू होनी चाहिए, बी एल स्क्वायर। सेकंड किसकी वैल्यू होनी चाहिए, सी एम स्क्वायर। तो अभी हमें पहले हम बी एल स्क्वायर डिराइव करेंगे और उसके बाद सी एम स्क्वायर। तो बी एल स्क्वायर के देख बी एल स्क्वायर के लिए देखिए कौन सा राइट ट्राइंगल होगा, इट्स अ बी ए एल, ये राइट ट्राइंगल हमें मिल जाएगा। सो इसका प्रूफ हम दे देंगे फ्रेंड्स इजीली, इट्स अ प्रूफ, इन अ ट्राइंगल बी ए एल एंगल ए इज 90 डिग्री,
एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो सिर्फ आपको ट्राइंगल बी ए एल ही दिखाई देना चाहिए। अब अगर उसमें हम पी जी टी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स लाइक दैट, इट्स अ बी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर इज द फर्स्ट रिजल्ट। ओके, नाउ व्हाट, सी एम स्क्वायर, सी एम किस में आएगा, इट्स इन ए ट्राइंगल एम ए सी। सो इन अ ट्राइंगल एम ए सी एंगल ए इज इक्वल टू 90। मैंने पहले ही आपको बता दिया है मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पीजीटी ही लेना है फ्रेंड्स। सो नाउ इन अ ट्राइंगल एम ए सी अगर हम पीजीटी लेते हैं तो क्या होगा, इट्स अ एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज द सेकंड रिजल्ट। अब इन्होंने क्या किया है, एडिशन, तो हम भी क्या करेंगे, एडिशन। सो बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, अब अगर हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इट्स लाइक दैट बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। एक्चुअली क्या किया, अब इन दोनों का एडिशन हमने कैसे लिया, लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो देखिए हमें ये तो मिल गया बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ये तो मिल ही गया हमें। अब हमें क्या चाहिए, फाइव बी सी स्क्वायर। अब इसके लिए देखते हैं बी सी स्क्वायर इज वॉट, एक्चुअली अगर हम इन्हें ट्राइंगल बी ए सी थोड़ा सा सोचेंगे तो इट्स लाइक दैट, अगर हम इसमें पी जी टी अप्लाइड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम बी सी स्क्वायर कहाँ अप्लाइड कर सकते हैं, जहाँ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो। तो इसका मतलब है हमें ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लाना है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। अब इसमें अगर पी जी टी लोगे तो क्या होगा, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो अभी हमें ये लाना है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सो इट्स वेरी सिंपल, यहाँ हमें एक बार तो दिया ही है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इट बिकम्स बी सी स्क्वायर। कैसे, ब्रैकेट में आपको ये रिजल्ट लिखना है। अब हमें ये दोनों नहीं चाहिए, अब थोड़ा सा सोचिए ए एल, ए एल इज वॉट, इट्स अ हाफ ऑफ ए सी। एग्जाम में आपको ये लिखना है ए एल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। यहाँ मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, आपको बिफोर प्रूफ, प्रूफ में यहाँ से स्टार्ट करने से पहले ये आपको लिखना है। ए एल की जगह हम क्या लिख देंगे, वन बाई टू ए सी, लेकिन यहाँ ए एल स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, इट्स अ वन बाई फोर ए सी स्क्वायर। सेम एम ए, एम ए इज वॉट, इट्स अ हाफ ऑफ ए बी। सेम हियर एम ए इज अ हाफ ऑफ ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ एम ए है यहाँ एम ए है, वहाँ हम क्या लिख देंगे, वन बाई टू ए बी। तो इट्स बिकम्स इट्स स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इट्स अ वन बाई फोर ए बी स्क्वायर। ओके, नाउ बी एल स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर एज इट इज, ये बी सी स्क्वायर भी एज इट इज रहने देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों में से, इन दोनों में से हम वन बाई फोर कॉमन ले लेंगे फ्रेंड्स। सो इट्स बिकम्स लाइक दैट ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, अगेन बी एल स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर एज इट इज, बी सी स्क्वायर एज इट इज, वन बाई फोर इन टू, अगेन फ्रेंड्स जहां ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर है वहां हम क्या लिख सकते हैं, इट्स अ बी सी स्क्वायर। सो इट्स अ बी सी स्क्वायर, नाउ इट्स अ बी सी स्क्वायर प्लस वन बाई फोर बी सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का क्या करना है, एडिशन। तो एडिशन के लिए हम क्या लेंगे, एल सी एम, एल सी एम क्या आएगा, फोर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स अ फोर बी सी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या मिलेगा, बी सी स्क्वायर बाय फोर। नाउ दिस फोर इज इन अ डिवीजन, इट विल बी इन अ मल्टीप्लीकेशन, सो यू विल गेट योर आंसर फोर इंटू बी एल स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इट बिकम्स फाइव बी सी स्क्वायर। तो आपको यही तो प्रूव करना था, देखिए इट्स वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज ही रहा, देखिए
कुछ नहीं किया, सबसे पहले किसकी वैल्यू डिराइव की, बी एल स्क्वायर, उसके बाद किसकी वैल्यू डिराइव की, सी एम स्क्वायर, फिर दोनों का क्या ले लिया, एडिशन, उसमें यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, उसकी जगह पहले हमने क्या लिख दिया, बी सी स्क्वायर, एज पर दिस। नाउ हमें ये दोनों नहीं चाहिए फ्रेंड्स, क्या ये दोनों, सिर्फ हमें ये दोनों नहीं चाहिए, तो हमें AL की जगह क्या लिखा, 1 by 2 AC, आप S पर फिगर देख सकते हो, MA की जगह क्या लिखा, 1 by 2 AB, फिर दोनों का स्क्वायर हो गया तो it becomes 1 by 4 AC square plus 1 by 4 AB square, again 1 by 4 is common, और फिर से यहां क्या लिख दिया, BC square, एडिशन किया, सिर्फ LCM लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, so 4 BC square plus BC square becomes 5 BC square, now 4 is in division, it will be in a multiplication, so it's very simple friends, okay? ओके फ्रेंड्स, अभी हमने दो क्वेश्चंस प्रूव किए फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फिगर ओ इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, ओ इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, नाउ इट्स अ रेक्टेंगल, इट मींस व्हाट, ऑल फोर एंगल इज अ 90 डिग्री, एंड व्हेन वी जॉइंट ऑल वर्टाइसेस ऑफ rectangle with O, it becomes figure like that. Now what? We have to prove that OB square plus OD square is equals to OA square plus OC square. अब यहाँ हमें अगर OB square लेना है तो it's compulsory हमें कोई ना कोई right triangle तो बना नहीं होगा सभी के लिए, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या सोचना है, now it's proof. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ लाइन विच पास थ्रू द सेंटर पॉइंट, सॉरी इट्स नॉट अ सेंटर पॉइंट बट इट्स पास थ्रू द ओ एंड विच इज पैरेलल टू बी सी, अगेन आई रिपीट, फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन एम एन, आपको ऐसा लिखना है, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, ड्रॉ अ लाइन एम एन पास थ्रू दिस पॉइंट्स ओ एंड विच इज पैरेलल टू बी सी, अब पैरेलल है उसका मतलब क्या है, इट्स अ 90 डिग्री दैट्स वाई इट्स ऑल्सो 90 डिग्री, इट्स अ 90 डिग्री दैट्स वाई इट्स ऑल्सो 90 डिग्री, बोथ साइड इट्स अ 90 डिग्री, ओके, नाउ इट्स वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ओ बी एम, पहले भी मैंने बताया था आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें क्या अप्लाइड करना है, पीजीटी, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, सो इन अ ट्राइंगल ओ बी एम, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इन अ ट्राइंगल ओ बी एम एंगल एम इज 90 डिग्री, सो वी कैन टेक पीजीटी, सो इट बिकम्स ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर इज द फर्स्ट रिजल्ट, नाउ ओडी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ओ एन डी, तो उसके लिए भी लिखेंगे इन अ ट्राइंगल ओ एन डी एंगल एन इज 90 डिग्री, ये ट्राइंगल में एंगल एन 90 डिग्री है तो उसमें भी अगर हम पी जी टी लेंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स अ ओडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर इज द सेकंड रिजल्ट, सेम हियर हमें और क्या चाहिए, ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन अ ट्राइंगल ए एम ओ एंगल एम इज 90 डिग्री, तो अब अगर हम इसमें पी जी टी लेंगे तो क्या होगा, इट्स अ ए ओ स्क्वायर आइदर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर आइदर ओ एम स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इज द थर्ड रिजल्ट, नाउ वी वॉन्ट ओ सी स्क्वायर, सो फॉर दी ओ सी वी विल टेक राइट ट्राइंगल इज वॉट ओ एन सी, सो इन अ ट्राइंगल ओ एन सी एंगल एन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो इट्स अ ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर इज द फोर्थ रिजल्ट, ओके, नाउ आफ्टर दैट ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड, जैसे मैंने पहले भी बताया सभी क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, हमें क्या करना है, जो उन्होंने किया है वही हमें करना है,
उन्होंने OB स्क्वायर और OD स्क्वायर का क्या किया है, एडिशन, तो हमें भी क्या करना है, एडिशन, तो इट्स अ OB स्क्वायर और इट्स अ OD स्क्वायर, सो बाय एडिंग आइदर बाय टेकिंग एडिशन ऑफ वन एंड टू फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट, अब तो वो कैसे हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, सो इट बिकम्स लाइक दैट, इट्स अ OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर, ओके, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड तो मिल गई है, हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड, ओके, एज पर थर्ड जहां AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर है वहां हम क्या लिख सकते हैं, OA स्क्वायर, तो पहले हम इसको अरेंज कर देंगे, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, ओके, अब इसको हम अरेंज कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, हमें OA स्क्वायर चाहिए, और एक चीज बता दो, यहां AB इक्वल्स टू क्या होगा, CD, और BC इक्वल्स टू क्या होगा, AD, ये दोनों इक्वल है फ्रेंड्स, तो अब हम यहां OA स्क्वायर चाहिए, OA स्क्वायर, तो वहां वह कहां लिख सकते हैं, AM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर, अब देखिए जहां AM और DN ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, समझ में आ रहा है, क्यों, ये कोई भी लाइन हो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अगेन आई रिपीट, AM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DN, तो उसका मतलब क्या है, जहां DN है हम वहां क्या लिख सकते हैं, AM, तो ये रहा DN, तो वहां हम क्या लिख देंगे, इट्स अ AM, सो इट्स अ AM स्क्वायर, अब हमें AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर मिल गया है, नाउ एज पर फोर्थ रिजल्ट ON स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर, अब देखिए जितना MB होगा उतना ही क्या होगा, NC, तो हम यहाँ MB इक्वल्स टू क्या है, NC, एक्चुअल में आपको ये कहाँ लिखना है, इसके पास में लिखना है, तो इसका मतलब क्या होगा, जहाँ MB है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, NC, अब अगर हम इन दोनों को सिर्फ इन फोर टर्म्स को अरेंज कर दे, कैसे लिखना है, फर्स्ट AM स्क्वायर के साथ कौन सा लिखना है, AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, अब फोर्थ में ON स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर, सो यू विल गेट द आंसर, जहां AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर है वहां क्या लिखना है, इट्स अ OA स्क्वायर, जहां ON स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर है वहां क्या लिखना है, इट्स अ OC स्क्वायर, सो इट्स योर आंसर, वही तो हमें प्रूव करना था, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहां AM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DN, तो जहां AM है वहां हम क्या लिख सकते हैं, DN, और DN की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AM, सेम MB इज इक्वल्स टू NC, तो जहां MB है वहां हमने क्या लिख दिया, NC, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, नाउ मूव ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल, फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल BCA एंगल C इज अ 90 डिग्री एंड ट्राइंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, नाउ वी नो दैट द मीनिंग ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, ओके, बट हियर इन अ राइट ट्राइंगल देर आर ओनली टू साइड्स, इट्स अ फिक्स, इट्स अ BC एंड AC, सो लेंथ ऑफ देम आर इक्वल, दैट इज गिवन, BC इज इक्वल्स टू AC, ऐसा हमें दिया गया है, दो चीज दी गई है, एक इट्स अ राइट ट्राइंगल वेर एंगल C इज अ 90 डिग्री एंड BC इज इक्वल्स टू AC, ओके, नाउ टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, सिर्फ 2 or 3 स्टेप्स का ही सम है फ्रेंड्स, आपको ऐसा क्वेश्चन MCQ में भी दिया जा सकता है फ्रेंड्स, नाउ इट्स प्रूफ, नथिंग टू वरी, इट्स वेरी सिंपल, इन अ ट्राइंगल BCA एंगल C इज इक्वल्स टू व्हाट, इट्स अ 90 डिग्री, सो नाउ बाय द PGT, अब अगर हम इसमें PGT ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड, सो इट्स अ BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, नाउ गिवन, अब हमें दिया क्या था इसमें, व्हाट इज द गिवन,
पहले में मैंने बताया BC is equals to AC. It's an isosceles triangle. So it's very simple. इसका मतलब क्या हुआ? जहां BC है हम वहां क्या लिख सकते हैं? AC. और जहां AC है वहां हम क्या लिख सकते हैं? It's a BC. So BC की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे? It's a AC. So it's a AC square plus AC square. So it's a 2AC square is equals to what? AB square. तो यही तो हमें प्रूव करना था फ्रेंड्स. इट्स वेरी सिंपल. ओके फ्रेंड्स इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन. नथिंग टू वरी. टेक्स्ट बुक में दिया गया है इसलिए हमें करना है. अब इसका हमें रिवर्स करना है फ्रेंड्स. इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स सोचेंगे. ऐसे क्वेश्चन में दिया गया है इन अ ट्राइंगल ए बी सी ए सी इज इक्वल्स टू बी सी एंड that is given. Now it's a given. AB square is equals to 2AC square. Then prove that triangle ABC is a right triangle. इट्स वेरी सिंपल. अब यही क्वेश्चन है. इसमें व्हाट इज द गिवन? बीसी इज इक्वल्स टू एसी एंड वी हैव टू प्रूव दैट. ओके, विद दैट एंगल सी इज 90 डिग्री, दैट इज गिवन. ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल, इट वाज गिवन. एंड वी प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एसी स्क्वायर. नाउ इट्स कन्वर्स. इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एसी स्क्वायर एंड बी सी इज इक्वल टू एसी, देन वी हैव टू प्रूव दैट इट्स अ राइट ट्रायंगल. ओके, अब कोई भी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है वो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? एक्चुअल में मैं ऐसा प्रूव करना होगा कि उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री है फ्रेंड्स. समझ में आ रहा है? अब वो कैसे प्रूव करेंगे? राइट ट्रायंगल के लिए हमें ऐसा प्रूव करना होगा कि सम ऑफ एनी वन साइड, आपने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड. ऐसा आपको पहले प्रूव कर देना है. अगेन आई रिपीट, अगर आपको कोई भी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ऐसा प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे फ्रेंड्स? स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड, देन अपोजिट एंगल ऑफ फर्स्ट साइड इट्स अ 90 डिग्री. ऐसा हमने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में देखा था फ्रेंड्स. तो ऐसा हम प्रूव कर देंगे. सबसे पहले तो क्या लिखना है? इट्स प्रूफ. व्हाट वी हैव टू प्रूव? अगर इसके हम फिगर देखेंगे तो ऐसे होगी फ्रेंड्स. इट्स ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, इट्स अ टू साइड्स, सो सी इज अ 90 डिग्री. ऐसा हमें प्रूव करना होगा. इट्स ए एंड बी. ओके, हमें क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल. ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल. हाउ कैन वी प्रूव इट? अभी मैंने बताया हमें एक्चुअल में क्या प्रूव करना होगा. स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. सो इट्स वेरी सिंपल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो दिया है उसका हमें यूज करना है. ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए सी स्क्वायर. अब इस 2 ए सी स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, इट्स ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. अब इसका मतलब क्या है? जहां ए सी है वहां हम क्या लिख सकते हैं? बी सी स्क्वायर. तो हम क्या लिख देंगे? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अब ये कैसे हो गया? ए सी इज इक्वल टू बी सी, दैट इज गिवन. नाउ इट्स इक्वल्स टू वॉट? ए बी स्क्वायर. तो देखिए हो गया, इट्स अ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स. तो यहां हम लिख सकते हैं देयर फोर ए बी एंगल बी सॉरी एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. हैंस प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल. सिर्फ इतना ही करना था फ्रेंड्स. इसका कन्वर्स है और कुछ नहीं है. इसमें हमने यहां से स्टार्ट करके यहां ये डिराइव किया
इसमें यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में देखिए, पहले ये लिखा, फिर ये वाला स्टेप आया, फिर इसमें हमने ए सी की जगह क्या लिख दिया, बी सी, तो ये वाला स्टेप हो गया। सो ये है, इसका मतलब ये है, इट्स 90 डिग्री, पूरा यही है, इसी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, देखिए, देखा। सो इट्स प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। ओके फ्रेंड्स, बोथ क्वेश्चन आर वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी स्मॉल क्वेश्चन। नाउ वन मोर क्वेश्चन, इट्स ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसा हमें दिया गया है, इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, अगेन आई रिपीट, इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। इक्विलेटरल ट्राइंगल वर्ड यूज किया है, इक्विलेटरल मीन्स वॉट, लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स आर 2a, लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स आर 2a, एंड AD इज अ अल्टीट्यूड, सो फाइंड लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ AD, हमें AD की लेंथ फाइंड करनी है फ्रेंड्स। ओके, व्हाट इज द वर्ड, अल्टीट्यूड, AD इज अ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मीन्स व्हाट, 90 डिग्री, तो एक चीज फाइनल हो गई कि इट्स अ 90 डिग्री, सो इट्स वेरी सिंपल। अब एक चीज फाइनल हो गई कि हम यहां A D B, उसमें हम PGT ले सकते हैं बिकॉज इट्स अ 90 डिग्री, और हमें AD फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले तो हमें, हमारे पास BD की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बता दूँ, इन आइसोसेलेस, सॉरी इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, आपको अभी मैं उसको प्रूव भी करूँगा, लेकिन पहले ये स्टेटमेंट आपको समझना चाहिए। इन अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन अ आइसोसेलेस ट्राइंगल अल्टीट्यूड इज अ मीडियन एंड मीडियन इज एन अल्टीट्यूड। अगेन आई रिपीट, सभी आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो अल्टीट्यूड होते हैं वही मीडियन होंगे, और जो मीडियन है वही अल्टीट्यूड होगा। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता है तो इक्विलेटर में तो होगा ही, क्योंकि एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो इट मीन्स व्हाट, इट्स अ मीडियन, अल्टीट्यूड तो है ही लेकिन उसके साथ मीडियन भी होगा। सो इट मीन्स व्हाट, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ, अब हमें प्रूव नहीं करना है, हमें लेंथ ऑफ ए डी फाइंड करनी है। डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, अब काफी बच्चे सोच रहे हो कि आपने सर ये बता तो दिया लेकिन वो कैसे, सो इट्स वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों को आपको कॉन्ग्रंट प्रूव कर देना है। क्या प्रूव कर देना है, कॉन्ग्रंट। विच आर दी टू ट्राइंगल्स, यहां लिख रहा हूं, फर्स्ट इज दिस, इट्स अ ए डी बी, सेकंड इज दिस, इट्स अ ए डी सी, बोथ आर कॉन्ग्रंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रंट वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉट अ सिमिलर। अगर अब उसको कैसे प्रूव करेंगे, अब देखिए, इन दिस टू ट्राइंगल ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए डी इज अ कॉमन साइड इन बोथ द ट्राइंगल्स एंड डी इज अ 90 डिग्री इन बोथ द ट्राइंगल्स, सो दे आर कॉन्ग्रंट ट्राइंगल। अब दे आर कॉन्ग्रंट इन मीन्स वॉस, इट मीन्स डी बी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डी सी, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रंट टू ट्राइंगल ए डी सी, देयरफॉर बी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी सी, एंड देयरफॉर बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, एंड देयरफॉर बी डी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2a, इट मीन्स बी डी इज इक्वल्स टू ए, इट्स वेरी सिंपल। एज पर फिगर भी आप देख सकते हो, बी सी 2a है तो बी डी क्या हो जाएगा, इट्स अ ए। नाउ इन अ ट्राइंगल ए डी बी, एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 है, सो बाय द पीजीटी ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर।
Now AB is what? It's a 2A whole square. AD we have to find. BD is what? It's a A whole square. So it's a 4A square is equals to AD square plus A square. Now make a subject to AD square. So A square is a plus. It will be minus. So 4A square minus A square is equals to, it's a 3A square. Now it's a square. It will be square root. 3 का square root क्या होगा? Root 3. और A का square root क्या होगा? A. तो यही हमें find करना था friends. We get the value of AD. AD was altitude. तो ये तीनों question भी काफी easy है. Okay? आप इसको easily समझ पाओगे friends. Okay friends, I think आपको ये सब समझ में आ रहा होगा. It's very simple. सभी क्वेश्चंस में काफ़ी इजी था फ्रेंड्स, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है और प्रैक्टिस करनी है, नथिंग टू वरी. ज़्यादातर क्वेश्चन में हमने पीजीटी ही अप्लाइड किया है फ्रेंड्स. नाउ मूव ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, इन अ रोम्बस. रोम्बस वर्ड है, इट मीन्स वॉट? All four sides are equal. Length of all four sides are equal. Suppose ऐसे दिया गया है, suppose it's a rhombus, it's a A, B, C and D. Okay, it's a rhombus. So now what to prove? अब हमें प्रूव क्या करना है? It's very simple. Sum of square of sides. Again I repeat. Sum of square of sides. उससे पहले it's a rhombus. It means all four sides are equal. AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. Sum of square of all four sides. So which are the four sides? It's a AB square plus BC square plus CD square plus AD square is equals to sum of square of both the diagonals. Which are the diagonals? AC and BD is equals to AC square plus BD square. That we have to prove. AC square plus BD square. Okay, intersection point is O and O is a 90 degree in a rhombus. Okay, now it's proof. It's very simple. अब इसका अगर हम proof देखेंगे friends, तो कुछ ऐसा हो जाएगा. It's very simple. ये आप दो तरीके से कर सकते हो. First, we have all four triangles. We have four right triangles. So, सबसे पहले आप इन ट्राइंगल AOB, AB square की value derive कर सकते हो. इनर ट्राइंगल BOC, BC स्क्वायर की वैल्यू डिराइव कर सकते हो. इट वॉज सेकंड रिजल्ट. इनर ट्राइंगल COD, CD स्क्वायर की वैल्यू डिराइव कर सकते हो. इनर ट्राइंगल AOD, AD स्क्वायर की वैल्यू डिराइव कर सकते हो. सो यू विल गेट फोर रिजल्ट और उसके बाद आप उसका एडिशन कर सकते हो. उस तरीके से भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, हियर O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD. समझ में आ रहा है? इन अ रोम्बस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स एंड इट मेक्स 90 डिग्री. आपको ये पता होगा फ्रेंड्स. सो इन अ ट्राइंगल, अभी हमें ये तो पता ही है, वो इज अ मिड पॉइंट. ओके, सो इन अ ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक पी जी टी. वी विल गेट ए बी स्क्वेर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वेर प्लस बी ओ स्क्वेर. ओके, अब देखिए ए ओ है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी एंड जो बी ओ है इट्स हाफ ऑफ बी डी. समझ में आ रहा है? ए ओ इज अ हाफ ऑफ ए सी एंड बी ओ इट्स हाफ ऑफ बी डी. तो इसका मतलब क्या हुआ? जहां ए ओ है हम वहां क्या लिख सकते हैं?
इट्स अ 1/2 ए सी. अब उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इट्स अ 1/4 ए सी स्क्वायर. एंड जहां बी ओ है वहां हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 बी डी, तो वहां भी क्या हो जाएगा, इट्स अ 1/4 बी डी स्क्वायर. अब दोनों में से अगर हम 1/4 कॉमन ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. तो यही तो हमें चाहिए ऑन अ राइट हैंड साइड. इट्स ऑल इक्वल्स टू वॉट, इट्स ऑल इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर. नाउ 4 इज इन डिविजन, इट विल बी इन अ मल्टीप्लीकेशन. सो इट बिकम्स 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. अब यहां थोड़ा सा सोचिए, 4 ए बी स्क्वायर इट मीन्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 ए बी स्क्वायर उसका मतलब ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज अ 4 टाइम इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. ओके, नाउ इट्स अ रॉम्बस, इट मीन्स वॉट, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. तो पहले भी मैंने बताया था, तो इसका मतलब ये हुआ अगर 4 साइड्स आर इक्वल देन ए बी इज रिप्लेस बाय बी सी, ए बी इज रिप्लेस बाय सी डी एंड ए बी इज रिप्लेस बाय ए डी. तो यही तो हमें प्रूव करना था फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर है. देखिए आपको यही प्रूव करना है फ्रेंड्स, इट्स वेरी सिंपल. अगेन मैंने पहले भी बताया, आप ऐसा भी कर सकते हो, 4 राइट ट्रायंगल लेके इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू डिराइव कर सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स है, इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स एंड इट मेक्स 90 डिग्री. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ इतना ही प्रूफ है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है. ओके ओके फ्रेंड्स, नाउ मूव ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. अब ये क्वेश्चन में सिर्फ फिगर जो है वो थोड़ी सी डराने वाली है, उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है. ये भी काफ़ी इजी ही क्वेश्चन है. सबसे पहले तो मैं ये इसको प्रूफ करूँगा, इसका प्रूफ दूंगा फ्रेंड्स, फर्स्ट रिजल्ट का. एंड इट्स वेरी इजी. सबसे पहले फिगर में क्या दिया है, ओ इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ओ इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. ओ एफ इज अ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी. ऐसा हमें दिया गया है. Now, first we have to prove that OA square plus OB square plus OC square is minus OD square minus OE square minus OF square is equal to this. तो एक्चुअल में सबसे पहले हमें ये देखना है OA square. तो पहले हमें OA square derive करना है. तो OA square के लिए हम कौन सा right triangle लेंगे, AFO. तो पहले हम इसका proof यहाँ लिखेंगे, it's a proof. So, in a triangle ए एफ ओ एंगल एफ इज अ 90 डिग्री. तो अब इसका अगर हम प्रूफ देंगे तो कैसे देंगे, इट्स ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू इट्स ए एफ स्क्वायर प्लस एफ ओ स्क्वायर. इट्स अ फर्स्ट रिजल्ट. इसको ओ एफ स्क्वायर भी लिख सकते हो, एफ ओ स्क्वायर की जगह, दोनों सेम चीज ही है. ओके, सो वी गेट ओ ए स्क्वायर. नाउ वी वॉन्ट ओ बी स्क्वायर. यहाँ भी आप ए ओ की जगह क्या लिख सकते हो, इट्स अ ओ ए स्क्वायर. ओ बी किस में आएगा, ओ बी के लिए आपको इसको ज्वाइन करना होगा फ्रेंड्स. सो वी विल गेट इन अ ट्राइंगल ओ एफ बी, इन अ ट्राइंगल ओ एफ बी एंगल एफ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो इसका भी अगर हम PGT लेके तो क्या हो जाएगा, इट्स अ OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर इज द सेकंड रिजल्ट. सो हमें OB स्क्वायर भी मिल गया. नाउ व्हाट वी वांट, OC. OC के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, OEC. इट्स अ राइट ट्रायंगल. सो इन अ ट्रायंगल OEC एंगल E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो इसमें अगर हम PGT लेंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स अ 90 डिग्री. सो OC इज अ हाइपोटेनियस. सो OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इज द थर्ड रिजल्ट. नाउ बाय टेकिंग
एडिशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों का, इन तीनों का अगर हम एडिशन लेंगे तो क्या हो जाएगा? इट्स लाइक दैट लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, इट बिकम्स ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ ओ एफ है सेकंड में, ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमें ये तीन तो मिल गए, ओ बी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, उसके साथ हमें क्या चाहिए? माइनस ओ डी स्क्वायर करना है, तो हमारे पास ओ डी नहीं है फ्रेंड्स, तो वो कैसे डिराइव करेंगे? तो हम ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ हमें ओ डी चाहिए तो हम OB के लिए कौन सा ट्रायंगल चूज कर सकते थे? ODB, कौन सा ट्रायंगल? ODB, यहाँ हम अगर ODB सिलेक्ट करते हैं एंड एंगल D इज अ 90 डिग्री, सो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर। अब ऐसा हमने क्यों सोचा? क्योंकि हमें OD स्क्वायर चाहिए। ओके, तो अब हम जहाँ ये दोनों चेंज हो जाएंगे, यहां क्या हो जाएगा? इट्स अ ओडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। ओके, उसके साथ में हमें क्या चाहिए? ओई स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर, वो दोनों तो है हमारे पास। समझ में आया? आप ये भी राइट ट्रायंगल ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, हमें यहां इसकी जरूरत थी ओडी स्क्वायर की, इसलिए हमने यही लिया। अब क्या करेंगे? दैट इज ओडी स्क्वायर, इट्स अ ओ ई स्क्वायर और इट्स अ ओ एफ स्क्वायर, तो इन तीनों को हम कहाँ भेज देंगे? ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड, सो इट बिकम्स लाइक दैट इट्स अ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू इट्स अ ए एफ स्क्वायर। पहला क्या मिलेगा हमें? इट्स अ ए एफ स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये रहा BD स्क्वायर एंड द नेक्स्ट वन इट्स अ CE स्क्वायर। तो हमें यही तो प्रूव करना था फ्रेंड्स, देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो हमें यही प्रूव करना था फ्रेंड्स। अगेन आई रिपीट, क्या किया, कहाँ से स्टार्ट किया? पहले OA स्क्वायर डिराइव किया, OA स्क्वायर के लिए कौन सा ट्रायंगल लिया? OFA, उसमें F इज 90 डिग्री और उसमें हमने PGT लिया। फिर हमने OB डिराइव किया, OB के लिए ये राइट ट्रायंगल लेना है क्योंकि हमें OD चाहिए इसलिए, और BD भी चाहिए देखिए इसलिए। फिर OC के लिए कौन सा ट्रायंगल लिया? ये वाला, समझ में? फर्स्ट इज दिस, सेकंड एंड थर्ड। फिर तीनों का हमने एडिशन कर दिया और ये फ्रॉम दी राइट हैंड साइड सिर्फ ये तीन चीज को हमने लेफ्ट हैंड साइड भेज दी। सो इट्स अ प्रूफ ऑफ फर्स्ट। नाउ सेकंड, सेम है ए एफ स्क्वायर, पहले हमें ए एफ स्क्वायर डिराइव करना है, इसी में से हम ए एफ स्क्वायर की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। सो इन अ ट्राइंगल ए एफ ओ, ए एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट्स अ ए एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज द फर्स्ट। बी डी स्क्वायर, इसी में से हम बी डी स्क्वायर की वैल्यू डिराइव कर लेंगे। सो इन अ ट्राइंगल ओ डी बी, ओ डी बी बी डी स्क्वायर की वैल्यू डिराइव करोगे तो क्या होगा? पहले पी जी टी सोचना है, फिर बी डी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है। सो इट्स अ बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। कैसे आ रहा है? पहले हम इसमें पी जी टी ले रहे हैं, फिर उसमें से हम बी डी को सब्जेक्ट बना रहे हैं, लास्ट में सी ई, उसके लिए कौन सा ट्राइंगल है? इन अ ट्राइंगल सी ई ओ, उसमें भी पहले पी जी टी लेकर और सी को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो इट्स अ सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज द थर्ड। नाउ अब हम इन तीनों का एडिशन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इट्स अ
ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर. इट्स अ लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. नाउ राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर. ओके, अब हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर. तो थोड़ा सा सोचिए, अगर इस राइट ट्रायंगल में हम सोचेंगे तो ए स्क्वायर कैसे मिलेगा? इट्स अ ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर. ये रहा ओ ए स्क्वायर और ये रहा ओ ई स्क्वायर. इसको हम पास पास में लिख लेते हैं, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर. ओके, सी डी स्क्वायर कैसे मिलेगा? तो फॉर दैट हमें ये चाहिए, तो इसके लिए हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर. तो ये रहा ओ सी स्क्वायर और ये रहा ओ डी स्क्वायर. इसको हम पास पास में लिख लेंगे. बी एफ स्क्वायर ये रहा, ये कैसे मिलेगा? ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर. सो ये रहा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर. अगेन आई रिपीट, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? इट्स अ ए स्क्वायर. इट्स अ बाय पी जी टी. ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह इट्स अ सी डी स्क्वायर. और ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इट्स अ एफ बी स्क्वायर. तो यही तो हमें फ्रेंड्स प्रूव करना था. इस ऑल्सो सेकंड रिजल्ट प्रूव. दोनों सिंपल है, दोनों में हमने पी जी टी ही लिया है फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, इसके पहले हमने दो क्वेश्चंस कंप्लीट किए फ्रेंड्स, एंड इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन. दोनों में पी जी टी ही हमने अप्लाइड किया था फ्रेंड्स. नाउ मूव ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन. इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, फ्रॉम द एयरपोर्ट वन प्लेन फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर्स पर आवर. अगेन आई रिपीट, फर्स्ट प्लेन प्लेन नंबर वन लीव्स एयरपोर्ट ड्यू टू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर्स पर आवर. 1000 किलोमीटर पर आवर. एंड एट द सेम टाइम अनदर प्लेन लीव्स एयरपोर्ट ड्यू टू वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर. सपोज इट्स अ ईस्ट एंड वेस्ट एंड इट्स अ नॉर्थ एंड साउथ. ओके, अगेन आई रिपीट, वन फर्स्ट प्लेन लीव्स एयरपोर्ट फ्रॉम लीव्स एयरपोर्ट ड्यू टू नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर. एट द सेम टाइम सेकंड अनदर प्लेन लीव्स एयरपोर्ट ड्यू टू वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर्स पर आवर. देन द क्वेश्चन इज हाउ फार दे आर आफ्टर 1.5 आवर्स. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेन आफ्टर 1.5 आवर्स. इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स, नथिंग टू वरी. ओके, दोनों में क्वेश्चन किसके लिए पूछा गया है? 1.5 आवर्स. सो इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले तो आपको ये सोचना है दोनों ने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा. इट्स अ स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स वॉट? फर्स्ट प्लेन विल कवर 1000 किलोमीटर इन अ 1 आवर. सो इन अ 1.5 आवर दैट प्लेन विल कवर 150 किलोमीटर्स. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन वन इन अ 1.5 आवर्स इज इक्वल्स टू 1500 किलोमीटर्स. एंड सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन टू इन अ 1.5 आवर्स
स्पीड इज 1200 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स इट विल ट्रेवल 1200 किलोमीटर इन 1 आवर. सो 1.5 आवर्स इट विल बी 1800 किलोमीटर. सो एज पर फिगर, सपोज इट्स अ एयरपोर्ट एंड फर्स्ट प्लेन गोज टू ड्यू टू नॉर्थ, आफ्टर सपोज इट्स अ बी, आफ्टर 1.5 आवर इट्स हियर एंड फर्स्ट प्लेन कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर. नाउ सेकंड प्लेन एट द सेम टाइम ड्यू टू वेस्ट एंड इट कवर्स, सपोज इट्स अ सी, इट्स इट कवर्स 1800 इन अ 1.5 आवर. सो क्वेश्चन इज हाउ फार दे ईच अदर फ्रॉम, हाउ फार दे आर आफ्टर 1.5 आवर्स. सो वी हैव टू फाइंड एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ ए एंड सी. सो इट्स वेरी सिंपल, बी विल बी 90 डिग्री. सो जस्ट वी हैव टू टेक PGT, it's a solution. So in a triangle ABC, by the PGT, angle B is equal to 90. So by the PGT, it will be what? AC square is equals to AB square plus BC square. Now AB is what? It's a 1500 whole square. BC is what? It's a 1800 whole square. इट्स अ 2,25,000, उसके पीछे 40 लगा देंगे, 20,50,000 इट्स अ, इट्स अ 3,24,000, उसके पीछे भी 40 लगा देंगे. नाउ एडिशन ऑफ देम, 5 + 4 इट्स अ 9, 2 + 2 इट्स अ 4 एंड 2 + 3 इट्स अ 5, उसके पीछे 40 लगा देंगे. इट्स ऑल इक्वल्स टू वॉट? ए सी स्क्वायर. सो नाउ इट्स अ स्क्वायर, इट विल बी स्क्वायर रूट. तो अब इसका हम स्क्वायर रूट कैसे लेंगे? यहाँ जो 40 है उसके कितने जीरो हो जाएंगे? 2. सो इट्स अ 100, इसका स्क्वायर रूट 100 है. अब 549 का स्क्वायर रूट लेना है, सो इट्स अ 549, ऐसे ले लेंगे. 3 1 3, रिमाइंडर इज 2, 3 8 और 3 3, सो 3 6 और 3 1. 3 इज 2 टाइम, तो वो हम 1 टाइम ले लेंगे, बट 61 इज 1 टाइम, तो उसको हम रूट में ही लिखेंगे. सो इट बिकम्स 300 रूट 61 किलोमीटर्स. हाउ फार दे आर? इट्स अ 300 एंड रूट 61 किलोमीटर आफ्टर 1.5 आवर्स. ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. ये क्वेश्चन एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये तो पूरा क्वेश्चन था फ्रेंड्स. सो इट्स नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स वेरी सिंपल. देर आर टू पोल्स विद द हाइट ऑफ 6 मीटर एंड 11 मीटर. अगेन आई रिपीट, देर आर टू पोल विद द हाइट ऑफ 6 मीटर एंड 11 मीटर. ऐसा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स या फिर MCQ में दिए जा सकते हैं. Suppose it's a first pole and it's the second pole. It's a AB and it's a CD. It's the CD. It's a height of 6 meter and it's a height of 11 meter. Okay. Now, distance between their feet is 12 meter. Distance between their feet is a 12 meter. It's a 12 meter, friends. सो वट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप. दोनों के टॉप के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है. इट्स अ एसी, ये हमें फाइंड करना है. सो इट्स वेरी सिंपल. फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू बी डी विच इंटरसेक्ट सी डी एट ई. सो ये सभी आपको सब में मिल जाएगा अभी. इट्स अ 90 डिग्री. इट्स अ 6, दैट्स वाई इट्स अ 6. इट्स अ 12, दैट्स वाई इट्स अ 12. आपको ऐसा लिखना है, हियर ए बी इज इक्वल्स टू क्या है? ई डी. और बी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए. ओके, नाउ सी डी इज वॉट? लेंथ ऑफ सी डी इज 11 मीटर एंड लेंथ ऑफ ई डी इज 6 मीटर. सो लेंथ ऑफ सी ई क्या हो जाएगा? इट्स अ 5.
सो नाउ इट्स वेरी सिंपल, ये आपको सिर्फ मैं आंसर ही दे दूंगा. बाय द पीजीटी यू कैन इजीली फाइंड एसी. सिर्फ डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख लेते हैं, इट्स अ 13. सो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द टॉप ऑफ बोथ द पोल इज 13. हाउ? पीजीटी 5 होल स्क्वायर इज 25, 12 होल स्क्वायर इज 144, सो इट्स अ 169. तो उसका रूट क्या हो जाएगा? 13. ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स. अगेन व्हाट इज द क्वेश्चन? ई इज अ पॉइंट ऑन अ बीसी एंड डी इज अ पॉइंट ऑन अ एसी. अगेन इट्स नॉट अ मिड पॉइंट. मिड पॉइंट है ऐसा हमें नहीं दिया गया है. ओके, अब जैसे मैंने हर बार बताया है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सोचना है? उन्होंने जो किया है वही हमें करना है, नथिंग टू वरी. उन्होंने क्या किया है? ए स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, इन दोनों का क्या किया है? एडिशन. तो हम भी क्या करेंगे? इन दोनों का एडिशन ही करेंगे फ्रेंड्स. लेकिन अगर हमें इन दोनों का एडिशन करना है तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू होनी चाहिए. सो सबसे पहले हम इन दोनों की वैल्यू डिराइव करेंगे. ओके, ए स्क्वायर हमें कहां से मिलेगा? उसके लिए हमें ये ट्रायंगल सोचना पड़ेगा, ई सी ए. कौन सा ट्रायंगल सोचना पड़ेगा? ई सी ए. सो इन अ ट्रायंगल ई सी ए, एंगल सी इज 90 डिग्री. अगेन बाय द पीजीटी, इट्स वेरी सिंपल. पीजीटी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इट्स अ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज द फर्स्ट रिजल्ट. ओके, हमें ए स्क्वायर मिल गया है. नाउ वांट बी डी स्क्वायर. सो बी डी स्क्वायर के लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इट्स अ बी सी डी. सो इन अ ट्राइंगल बी सी डी, एंगल सी इज इक्वल्स टू, इट्स अ 90 डिग्री. उसमें भी अगर हम पी जी टी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इट्स अ बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज द सेकेंड रिजल्ट. नाउ बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, इन दोनों का हम अगर एडिशन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इट्स अ लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. इट बिकम्स लाइक दैट, इट्स अ ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. सो हमें ये तो मिल गया, अब हमें ये चाहिए. सो एज पर फिगर आप देख सकते हो, इन अ ट्राइंगल बी सी ए, सी इज अ 90 डिग्री. सो वी कैन से दैट इट्स लाइक, वी कैन से दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या होगा? हम ए बी स्क्वायर कहाँ लिख सकते हैं? जहाँ बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है. तो ये रहा बी सी स्क्वायर और ये रहा ए सी स्क्वायर. तो सबसे पहले तो इसको हम एड अरेंज कर देंगे, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को. और उसके बाद हमें क्या चाहिए? डी ई स्क्वायर. तो इसके लिए हम इसको भी ज्वाइन कर देंगे, डी और ई को. तो यहाँ अगर हम पी जी टी लेंगे तो क्या होगा? इट्स अ ई डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. तो इसका भी मतलब क्या होगा? जहाँ ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं? ई डी स्क्वायर. तो ये रहा ई सी स्क्वायर और ये रहा सी डी स्क्वायर. तो इसको भी हम अरेंज कर देंगे सिर्फ ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. सो नाउ बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय ए बी स्क्वायर एम एंड ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय ई डी स्क्वायर. सो वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी बी डी स्क्वायर. यही तो आपको प्रूव करना था फ्रेंड्स, इट्स वेरी सिंपल. ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसा दिया गया है, इन अ ट्राइंगल ए सी बी, ए डी इज अ अल्टीट्यूड ऑन अ बी सी. ए डी इज अ परपेंडिकुलर टू बी सी एंड विद दैट डी बी इज इक्वल्स टू 3 CD. डी बी की जो लेंथ है वो इट्स अ 3 times देन सी डी. सपोज इट्स अ ए, देन इट्स अ 3A. समझ में आ रहा है? ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, इट्स अ ए. सपोज सी डी इज अ ए, सो बी डी इज अ 4A, सॉरी इट्स अ 3A.
बिकॉज इट्स अ थ्री टाइम्स ऑफ सी डी। अब अगर इन दोनों का हम एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी प्लस बी डी इज इक्वल टू 4a. Now CD plus BD is as per figure is what? It's a BC into A. A is what? Actually it's a CD. तो आप ऐसा भी कह सकते हो BC is a 4 time of CD. Again I repeat, सबसे important चीज यही है DB, it means this. It's a 3 time of CD. So let's CD is A. CD is A. Then BD is 3A. आप इसका प्रूफ इसमें यहां ऐसा लिख सकते हो, लेट सी डी इज इक्वल टू ए, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 3A, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 4A, एंड देयरफॉर ए इज व्हाट एक्चुअली सी डी, सो इट्स अ 4CD. आप ऐसा लिख सकते हो, इट मींस जहां बी सी है आप वहां क्या लिख सकते हो, इट्स अ 4CD. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ में स्टार्ट कहाँ से करना है. एक्चुअली इट्स अ ए बी स्क्वायर, तो सबसे पहले हम ए बी स्क्वायर डिराइव कर लेंगे और उसके बाद ए सी स्क्वायर. एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली यहाँ होगा और वो सब्ट्रैक्शन में होगा, 2AB² माइनस 2AC² होगा. तो सबसे पहले हम यहाँ ए बी स्क्वायर की वैल्यू डिराइव करेंगे और ए सी स्क्वायर की, वो हम PGT से इजीली डिराइव कर सकते हैं. सो इन अ ट्राइंगल ए डी बी एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो इट्स अ ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज द फर्स्ट रिजल्ट. एंड इन अ ट्राइंगल ए डी सी एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो इट्स अ ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बट वी डोंट वॉन्ट ए डी, सो अगेन बाय टेकिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 and 2. अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसे लगे फ्रेंड्स, इट्स लाइक दैट, इट्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, एंड इट्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. नाउ सब्ट्रैक्शन है उसका मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ सेकंड इक्वेशन विल बी चेंज्ड, सो वी विल गेट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड, ए डी स्क्वायर इज कैंसल, एंड वी गेट बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर ऑन अ राइट हैंड साइड. ओके नाउ व्हाट वी वांट, वी हैव वैल्यू ऑफ बी सी, बी सी इज व्हाट, इट्स अ 4CD. ओके आइदर हम ऐसा भी लिख सकते हैं बी डी इज 3A. ओके सो नाउ बी डी इज 3A, सो इट्स अ 9A² माइनस सी डी इज ए, सो इट्स अ ए होल स्क्वायर, सो इट्स अ 8A², इट्स इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर. अब यहाँ से थोड़ा सोचना है फ्रेंड्स, अब सोचिए कि हम कुछ भी कर ले हमें ये नहीं मिलने वाला है, 2 नहीं मिलने वाला है. तो अगर हमें यहाँ 2 चाहिए तो हमें क्या करना होगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इट्स अ लाइक दैट, इट्स अ 2AB² माइनस 2AC², तो हमें इजीली ये मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू 8 × 2, इट विल बी 16A², सो इट्स अ 2AB² माइनस 2AC² इज इक्वल्स टू, इसको हम 4A² ऐसा लिख सकते हैं. ओके सो इट्स अ 2AB² माइनस 2AC² इज इक्वल्स टू, एक्चुअली 4A कौन है, इट्स अ BC, सो इट्स अ BC². अब इसको हम कहाँ भेज देंगे, सामने, सो इट बिकम्स 2AB² इज इक्वल्स टू 2AC² प्लस BC², सो इट्स अ 2AB² प्लस इज इक्वल्स टू 2AC² प्लस BC². तो यही तो हमें प्रूव करना था. अगेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, पहले जो हमने ये की वही फर्स्ट, यहाँ से यहाँ तक, और सेकंड ये स्टेप कैसे आ गया, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2, वही इम्पोर्टेंट है. अगेन फास्ट सी डी, लेट सी डी इज ए, सो डी बी यहाँ ए रख देंगे तो इट्स अ 3A, दोनों का एडिशन कर देंगे इट्स अ ए और 3A, सो इट्स अ 4A, सो ए इज रिप्लेस बाय सी डी, सो दैट इज बी सी इज इक्वल टू 4CD. फिर हमने ये किया, यहाँ हमने बी डी की जगह क्या लिख दिया,
3a, इट्स होल स्क्वायर, सो 9a स्क्वायर. cd की जगह क्या लिख दिया, a, सो इट्स a स्क्वायर. 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इट्स 8a स्क्वायर. नाउ बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद हमने क्या किया वो आपको मालूम है. दोनों क्वेश्चन काफी इजी है. ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूरे चैप्टर्स में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस यही है. थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, इसको आपको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स. अब क्या दिया गया है, इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा वर्ड यूज किया है, इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी. ओके, इक्विलेटरल मीन्स व्हाट, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके, जो प्रूव करना है उसमें हम यहां लिखते जाते हैं फ्रेंड्स, ट्राइंगल ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो लेट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू ए. इन सभी की लेंथ हम ए डिराइव कर लेते हैं फ्रेंड्स. इट्स अ ए, इट्स अ ए और इट्स अ ए, दैट इज फाइनल फ्रेंड्स. नाउ व्हाट, ओके, सेकंड थिंग इज व्हाट गिवन, डी इज अ पॉइंट ऑन अ बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी. लेंथ ऑफ बी डी कितनी होगी, इट्स अ 1/3 बी सी. सो डी इज लाइक हियर एंड वी जॉइंट ए एंड डी. सो ए डी इज वॉट, ए डी इज नथिंग, इट्स अ जस्ट लाइन सेगमेंट, इट्स नॉट एन अल्टीट्यूड, इट्स नॉट एन मीडियन. ओके, वी हैव बी सी इज ए. ओके, वॉट इज गिवन, नाउ बी डी इज इक्वल्स टू 1/3 बी सी एंड देयरफोर बी डी इज इक्वल्स टू 1/3 बी सी इंटू बी सी इज वॉट, ए. Therefore, BD is what? It's a A by 3. थोड़ा सा आपको देखना है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो करना ही पड़ेगा. ओके, नाउ वी हैव BD इज what? It's a A by 3. It's a A by 3. ओके, नाउ पूरा BC कितना है? पूरा BC कितना है? A. उसमें BD कितना है? A by 3. तो क्या हमें DC मिल सकता है? जी हाँ, इट्स वेरी सिंपल, वी कैन इजीली गेट सी डी. सो नाउ हाउ कैन वी गेट सी डी, इट्स अ बी सी माइनस बी डी. ये जो पूरा है ए, उसमें से हम बी डी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो इट बिकम्स ए माइनस ए बाई थ्री. सो इट्स अ 3a माइनस ए, इट्स अ 2a बाई थ्री. सो इट्स अ सी डी. ओके, अब ये इतना तो आपको समझ में पहले आ गया होगा, इसमें कोई मैंने कुछ नया नहीं किया है फ्रेंड्स. इट्स व्हाट, इट्स अ ए बाय 2a बाय 3. ओके, अगेन आई रिपीट, अभी क्या प्रूव करना है वो तो मैंने बताया ही नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राइंगल ABC इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट मींस लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. सो इट्स अ ए ए ए. सो लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए दिया गया है, और बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी. डी इज अ पॉइंट ऑन अ बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी. सो ऐसा हमने पॉइंट डिराइव किया, जैसे बी डी की लेंथ कितनी हो जाए, बी सी की 1/3. सो बी सी इज ए, सो बी डी इज ए बाई थ्री. बी सी इज ए, बी डी इज ए बाई थ्री, सो डी सी इज 2a बाई थ्री. ओके, नाउ मेन टॉपिक पे हम आते हैं, हमें प्रूव क्या करना है. इट्स अ 9ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7ab स्क्वायर, हमें ये चाहिए. ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहां से स्टार्ट करना है, ab स्क्वायर, हमें ab स्क्वायर से स्टार्ट करना है. अब आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि ad इज नॉट एन अल्टीट्यूड, इट्स नॉट एन मीडियन, तो हम इसमें PGT तो नहीं ले सकते फ्रेंड्स. तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अल्टीट्यूड. सपोज m इज अ अल्टीट्यूड, ए एम इट्स अ अल्टीट्यूड. ओके, इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था फ्रेंड्स,
इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल अल्टीट्यूड इज एन मीडियन एंड मीडियन इज एन अल्टीट्यूड. तो यहां हमें पता चल गया है कि ए एम इज अल्टीट्यूड एज वेल एज मीडियन. हियर ए एम इज अ मीडियन ऑफ इज अ मीडियन ए एम इज अ मीडियन. ओके, अब यहां से सोचना है ए एम इज व्हाट, इट्स अ मीडियन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डी एम, एम इज अ मिड पॉइंट. अब यहां से थोड़ा सा सोचना है फ्रेंड्स, एम इज व्हाट, इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी. एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी. सो लेंथ ऑफ बी सी, बी एम इज व्हाट, इट्स अ ए बाय टू. एंड एम सी इज व्हाट, इट्स अ ए बाय टू. ओके, हाउ कैन वी से दैट एम इज अ मिड पॉइंट, एम इज मीडियन. सो एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी. नथिंग टू वरी, कॉन्सेंट्रेशन करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सो बी एम एंड एम सी दे आर इक्वल, देयर फोर बी एम इज इक्वल्स टू एम सी इज इक्वल्स टू ए बाय टू. एंड द नाउ लास्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां देखना है, पूरा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है. बी सी सॉरी बी एम, लेंथ ऑफ बी एम इज व्हाट, ए बाय टू. लेंथ ऑफ बी डी इज व्हाट, इट्स अ ए बाय थ्री. सो वी कैन गेट द डी एम, यस वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ डी एम. हाउ कैन वी गेट द डी एम, आपको सिर्फ यही देखना है फ्रेंड्स, ये ग्रीन वाली लाइन ही देखनी है. कैसे फाइंड करेंगे डी एम, इट्स अ डी एम इज इक्वल्स टू बी एम माइनस बी डी. नाउ बी एम इज व्हाट, इट्स अ ए बाय टू. बी डी इज व्हाट, इट्स अ ए बाय थ्री. तो दोनों का सब्ट्रैक्शन लोगे तो क्या हो जाएगा, इट्स अ ए बाय सिक्स. सो डी एम इज अ ए बाय सिक्स. ओके, तो यहां हमें क्या मिला, इट्स अ ए बाय सिक्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स. थोड़ा सा अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं चला. अगेन आई रिपीट, सबसे पहले बी सी, बी सी क्या है, इट्स अ ए. अब ये तो ए पता चल गया कैसे आ गया. नाउ एम इज व्हाट, इट्स अ मिड पॉइंट. सो बी एम इज व्हाट, हाफ ऑफ दिस, सो ए बाय टू. एम सी इज व्हाट, हाफ ऑफ दिस, सो इट्स ए बाय टू. नाउ बी डी इज व्हाट, इट्स अ वन बाय थ्री बी सी. बी सी क्या है, ए. सो इट्स अ ए बाय थ्री, नथिंग टू वरी. ओके, ये पूरा कितना है, ए बाय टू है. इसमें ये कितना है, ए बाय थ्री है. तो ये कितना हो जाएगा, ए बाय सिक्स, नथिंग टू वरी. और ये पूरा ए है, उसमें ये a बाई थ्री था, तो cd कितना हो जाएगा, इट्स अ टू बाई थ्री. हालांकि हमें cd की अभी कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स. चलो अभी मैं cd यहाँ से निकाल देता हूँ, cd की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड्स. ओके, अब तो समझ में आ गया आपको, a बाई सिक्स इज व्हाट, इट्स अ dm. अब यहाँ से सोचना स्टार्ट करना है ab. तो अगर आप रिवर्स ऑर्डर में सोचोगे तो पता चलेगा, अगर आप ए एम बी उसमें पीजीटी लोगे तो आपको ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा. चलो हम रिवर्स से स्टार्ट करते हैं. इन अ ट्राइंगल ए एम बी, एंगल एम इज 90 डिग्री. अब अगर इसमें हम पीजीटी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स अ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर. ओके, नाउ try to put down the value, we don't have value of am, it means what, first we have to find am. So how can we find am, uske liye hum kya karenge, inner triangle amc, dekhiye it's a amc, angle m is equals to 90. So pgt le lenge to kya ho jayega, it's a ac square is equals to am square plus mc square. Now ac is what, a, so it's a a square. AM is what? We have to find. MC is what? A by 2. So it's a square by 4. So now AM square is equals to A square minus A square by 4. So it becomes AM square is equals to 4A square minus A square. It's a 3A square by 4. तो ये हमें AM square की ही value मिल गई. तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां ए एम स्क्वायर है वहां हम क्या लिख सकते हैं, थ्री ए स्क्वायर बाय फोर.
तो यहां हम लिख देंगे 3a² / 4। ओके, bm की वैल्यू क्या है? bm इट्स हाफ ऑफ bc, सो इट्स a² / 4। तो अभी यहां हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, इट्स यहां 4a² - a² इट्स 3a² इट्स इक्वल्स टू am² ओके, bm इज हाफ ऑफ a/2 इट्स a² / 4। तो ab² हमें क्या मिलेगा, a² ओके, हमें ad चाहिए, तो पूरा यहां से सोचना है ad, ad के लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ad के लिए अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे amd, उसी में ad आएगा ना, इनर ट्राइंगल amd, एंगल m इज इक्वल टू 90। देखिए हमें आंसर में AD चाहिए, तो AD जिसमें आ रहा हो ऐसा राइट ट्रायंगल कौन सा है, AMD, नथिंग टू वरी। अब इसमें अगर हम PGT ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स AD² इज इक्वल टू AM² + MD² नाउ AM हमने फाइंड किया, AM² इट्स 3a² / 4, MD भी फाइंड किया, ये देखिए MD इट्स a/6, सो इट्स a² / 36। LCM ले लोगे तो यहां क्या हो जाएगा, 36, और यहां 27a² + a², सो इट बिकम्स 28a² / 36। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 7 4 9 इट्स a² इट्स इक्वल्स टू व्हाट, AD² नाउ AD² इज इक्वल टू 7/9। एक्चुअली a इज व्हाट, इट्स अ बी ab, a इज ab, तो यहां हम AB² लिख सकते हैं। नाउ 9 इज इन डिवीजन, इट विल बी इन अ मल्टीप्लीकेशन, सो इट बिकम्स 9AD² इज इक्वल्स टू 7AB² आपको यही प्रूव करना था। अगेन आई रिपीट, शॉर्ट में कहां से स्टार्ट करना है सोचना, AD से, AD के लिए कौन सा राइट ट्रायंगल लेंगे, इट्स अ AMD, उसके लिए जितनी भी वैल्यू चाहिए, फर्स्ट किसकी वैल्यू चाहिए, AM, तो वो हम डिराइव करेंगे, AM के वैल्यू डिराइव करेंगे, सेकंड DM तो वो भी डिराइव करेंगे, उसके बाद PGT ले लेंगे, सिर्फ इतना ही सोचना है कैसे स्टार्ट किया। अगेन आई रिपीट, इन शॉर्ट इट्स a और a, m इज अ मिड पॉइंट, सो bm इज a/2, bd इज a/3, इट्स गिवन इन अ क्वेश्चन, bm इज a/2, bd इज a/3, सो dm इज a/6। अब यहां हमने AMC में PGT ले लिया, सो वी गेट AM² और कुछ नहीं करना है, वन टाइम यहाँ PGT लेना है और वन टाइम यहाँ PGT लेना है, सो आपको ये इजीली मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ी सी आपको उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, लेकिन इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं था फ्रेंड्स। नाउ मूव ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज दैट, एंड आफ्टर दैट we will study one only rules, okay, one statement we will just study। अब question क्या दिया गया है, in a equilateral triangle, statement के form में ही आपको question दिया गया है, in a equilateral triangle prove that, in a equilateral triangle prove that 3 times of square of any side, okay, suppose we take AB as any side, 3 times of square of any side, it's a 3AB² is equals to 4 times of its altitude, okay, so first we will draw altitude, and it's a 4 times of square of altitude, so is equals to 4AD² that we have to prove। Again I repeat, in a equilateral triangle, so it means it's a equilateral triangle, all three sides are equal, AB is equals to BC is equals to AC, okay, prove that 3 times of square of any one side is equals to 4 times of square of its altitude, now it's proof, it's very simple, again we can take PGT in a triangle ADB, angle D is equals to 90 degree,
तो अब हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, पीजीटी ले लेंगे, तो इट्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। नाउ वी नो दैट फ्रेंड्स, कई बार आज के ही लेक्चर में हमने ऑलरेडी टू टाइम्स वो स्टेटमेंट देखा था, इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल अल्टीट्यूड इज अ मीडियन एंड मीडियन इज एन अल्टीट्यूड, सो डी इज अ मिड पॉइंट, सो वी कैन से दैट बी डी इज अ हाफ ऑफ बी सी, सो वी कैन रिप्लेस बी डी बाय हाफ ऑफ बी सी इट्स होल स्क्वायर, सो इट्स अ ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, इट्स अ वन बाय फोर बी सी स्क्वायर। अब इट्स एन ओके एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स अ फोर ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फोर को हमने सामने भी भेज दिया फ्रेंड्स, नाउ बी सी स्क्वायर विल बी ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड, सो फोर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए डी स्क्वायर, एंड वी नो दैट इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बी, बी सी इज इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा, सो फोर ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इट्स अ थ्री ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए डी स्क्वायर। सो यही तो हमें प्रूव करना था फ्रेंड्स, तो सिर्फ आपको लास्ट में क्या लिखना है, हेंस प्रूव दैट, क्या प्रूव हो गया, थ्री टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड। और एक लास्ट चीज मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि आपको लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल दिया है और आपको ऐसा डिसाइड करना है कि इट्स राइट ट्राइंगल और नॉट, तो आपको क्या करना है, कन्वर्स ऑफ थियरम देखना है, जो सबसे बड़ी साइज है साइड है उसका आपको स्क्वायर करना है, जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है उसका पहले आपको स्क्वायर करना है, और उसके बाद स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स करनी है, अगर वो दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है इट्स अ राइट ट्राइंगल, और उसमें जो बड़ी साइड थी सबसे बड़ी साइड जो थी उसके सामने जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, इट्स अ 90 डिग्री। अगेन आई रिपीट, जो मैंने अभी बताया इट्स अ जस्ट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले जो लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स दी गई है उसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है वही देखनी, उसका पहले स्क्वायर करना है, उसके साथ जो दो रिमेनिंग साइड है उसका उसके स्क्वायर का सम करना है, अगर दोनों के आंसर सेम है उसका मतलब है इट्स अ राइट ट्राइंगल, और उसमें जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने जो एंगल बनेगा इट्स अ 90 डिग्री। ये आपको सभी याद रखना है फ्रेंड्स, ओके, सो लेट्स वी जस्ट कंप्लीटेड फ्रेंड्स विद दैट अवर चैप्टर्स एंड ऑल्सो अवर पोर्शन। ओके, लास्ट में एक ही चीज बताऊंगा फ्रेंड्स, ओके, हवे मित्रों आज हूँ गुजराती यूज करूँ छू, आई थिंक अपने अत्यार सुधी जेटला पण लेक्चर्स लीधा है एमा इंग्लिश आइधर हिंदी वर्ड्स ज यूज कर्या छे, पण आजे आपड़ा सिलेबस नो लास्ट लेक्चर छे फ्रेंड्स, एटले वन ओर टू मिनिट्स तमारी साथे वात करी लो मित्रों, सौथी पहला तो बधाने बोर्ड एक्जाम माटे बेस्ट ऑफ लक आशा राखू छू के तमने जे मैं मारा पोर्शनना चेप्टर्स कराव्या छे ए तमने बरोबर समझाणा हशे, ઇવન એમાં જ્યાં તમને તકલીફ હોય ત્યાં તમે કોન્ટેક્ટમાં રહી શકો છો મિત્રો, અને ખૂબ જ સારું રિઝલ્ટ લાવશો એ પૂરેપૂરી ખાતરી છે મિત્રો, અને તમે તમારું તમારા મમ્મી પપ્પાનું સ્કૂલ ટીચર્સ એ બધાનું જ માન અને સન્માન વધારશો એવી શુભેચ્છા સાથે હું આજે અહીં મારું લેક્ચર પૂરો કરું છું, અગેઇન બેસ્ટ ઓફ લક ફ્રેન્ડ્સ।